मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज। आयकर में छूट के अलावा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज सुबह 11 बजे पेश करेंगी बजट। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और निवेश बढ़ाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती। सरकार सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स में कर चुकी है कटौती, इस बार नौकरी पेशा वर्ग को 80C में छूट का दायरा बढ़ाने या टैक्स रिबेट को रैशनलाइज किए जाने की उम्मीद। बजट से पहले बजट टीम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैठक की, तैयारियों को दिया आखिरी रूप। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बजट से पहले सरकार ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 2018-19 में GDP 6.8% से घटाकर 6.1% रहने का अनुमान जताया। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार को दी गई सलाह, विकास दर में तेजी लाने के लिए बजट घाटा लक्ष्य को ढील दे सरकार, खाद्य सब्सिडी में कटौती की सिफारिश। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार लेकर आई है थलनॉमिक्स, वेज थाली को पहले के मुकाबले 29% और नॉनवेज थाली को बताया 18% सस्ता। कांग्रेस ने थालीनॉमिक्स पर ली चुटकी, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने कहा थाली होगा खाली, सस्ती थाली को बताया भ्रामक। चीन के वुहान से 324 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का जम्मू विमान रवाना हुआ, सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। विमान में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स भी मौजूद। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की होगी जांच, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और एयरपोर्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम करेगी जांच। एयरपोर्ट पर जांच के बाद वुहान से लौट रहे भारतीयों को ले जाया जाएगा मानेसर में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा 14 दिन, डॉक्टर कड़ी निगरानी रखेंगे। ITBP ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली के छावला इलाके में 600 बेड तैयार किया, सफदरजंग अस्पताल में भी किया गया है इंतजाम। केरल की त्रिशूर से हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना वायरस के मरीज की हालत में सुधार, केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मरीज को फिलहाल कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं, पुणे में फिर भेजा गया सैंपल। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना वायरस के 3 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तीनों नागरिक चीन से भारत घूमने आए थे। निर्भया के दोषियों को आज नहीं होगी फांसी, पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगाई। फांसी टलने के बाद रो पड़ी निर्भया की मां, कहा दोषियों के वकील AP सिंह ने मुझे चैलेंज किया कि फांसी कभी नहीं होगी। निर्भया की मां ने कहा हमारी उम्मीदों को धक्का लगा लेकिन मैं दोषियों को फांसी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। बेटी के कातिलों की फांसी टलने पर फूट फूट कर रोती दिखी निर्भया की मां, पार्क में बैठकर रोने का वीडियो वायरल हुआ। निर्भया के पिता ने फांसी टलने पर केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया, कहा केजरीवाल की मिली भगत से फांसी रुकी है। आपकी अदालत में आज सवालों के घेरे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल, निर्भया के गुनहगारों की फांसी टालने के आरोपों को खारिज किया। रजत शर्मा के सवालों के जवाब में कहा निर्भया के दोषियों को अभी तक फांसी पर नहीं लटकाना देश के लिए शर्म। आपकी अदालत में केजरीवाल ने शाहीन बाग से जुड़े सवालों के भी खुलकर जवाब दिए, कहा देश की एकता की बात करने वालों के साथ है केजरीवाल। केजरीवाल का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे। आपकी अदालत में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इमरान खान को किया खबरदार, कहा दिल्ली के चुनाव में दखल ना दे पाकिस्तान। दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग को लेकर संग्राम जारी, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा शाहीन बाग आप और कांग्रेस के लिए वोट बैंक, बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। कीर्ति नगर की रैली में अमित शाह ने केजरीवाल को दी चुनौती, कहा अगर यमुना नदी साफ हो चुकी है तो केजरीवाल यमुना नदी में लगाए डुबकी। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के केजरीवाल को आतंकी बताए जाने को बनाया चुनावी मुद्दा, पार्टी ने सभी सीटों पर शांति मार्च निकाला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं इसलिए खेल रहे हैं विक्टिम कार्ड। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार रवि किशन दिल्ली चुनाव प्रचार में कूदे, करोलबाग इलाके में वोट मांगा, अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने केजरीवाल के दिल्ली के बेटा वाले बयान पर सवाल उठाया, कहा हिसार में पैदा हुए कैसे बन गए दिल्ली का बेटा। केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया हर्षवर्धन को जवाब, कहा यूपी और हरियाणा में पैदा हुए लेकिन दिल्ली में बसे लोगों को कैसे बोल सकते हैं पराया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया हर्षवर्धन की ओछी मानसिकता, कहा लगातार दिल्ली की सेवा कर रहे केजरीवाल कैसे नहीं दिल्ली का बेटा। दिल्ली के दंगल में 5 फरवरी को उतरेंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शास्त्री पार्क इलाके में करेंगी रैली। राहुल गांधी और प्रियंका भी उतरेंगे दिल्ली के चुनाव प्रचार में, राहुल 3 फरवरी और प्रियंका 4 फरवरी को करेंगे रैली। दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में की गई कार्रवाई। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजकुमार चौहान का नाम शामिल, पिछले साल राजकुमार ने बीजेपी ज्वाइन किया था, हाल ही में सोनिया से हुई थी मुलाकात। दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम करेंगे 12 से ज्यादा सभाएं, शाहीन बाग और जामिया में भी कर सकते हैं रैली। आम आदमी पार्टी का आरोप 2 फरवरी को शाहीन बाग में बड़े उपद्रव की तैयारी में, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी पहुंचे शाहीन बाग, चुनाव कराने को लेकर हालात की जानकारी ली, कहा चुनाव को लेकर कोई बाधा नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, गरीबों को 2 रुपए किलो आटा, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी देने का वादा।
दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ कानून बनाने का भी वादा किया गया। दुकानों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का भरोसा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल का निशाना, कहा मैनिफेस्टो से साबित हुआ दिल्ली वालों की फ्री बिजली पानी के और फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। जामिया में फायरिंग करने वाले आरोपी की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेशी, 14 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। देशद्रोह के आरोपी छात्र शर्जिल इमाम ने मस्जिदों में बांटे थे भड़काऊ पैंपलेट, जहानाबाद और दिल्ली वाले घर से मोबाइल लैपटॉप के साथ पैंपलेट भी बरामद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन सख्त हुआ। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी और छात्र नेता आमिर मिंटो को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। यूपी पुलिस ने कानपुर से पीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 20 दिसंबर को बापूपुरवा इलाके में हिंसा भड़काने का आरोप। मुरादाबाद के ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच नागरिकता विरोध प्रदर्शन जारी, पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुंबई के नागपड़ा में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी, रात के वक्त नहीं हुई नारेबाजी, लोगों ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। जम्मू श्रीनगर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नागरोटा टोल प्लाजा के पास जैश के 3 आतंकी ढेर हुए, 1 सुरक्षाकर्मी जख्मी। नागरोटा टोल प्लाजा के पास ट्रक रोके जाने के बाद हुआ एनकाउंटर, ट्रक में हथियारों का जखीरा लेकर जा रहे थे आतंकी, रोकते ही शुरू कर दी थी फायरिंग। मौके से भागे ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलवामा में आतंकी हमले में शामिल फिदाइन का भाई चला रहा था ट्रक। नागरोटा में एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से 5 AK राइफल और IDX भी बरामद हुए। अमेरिका में बने स्नाइपर राइफल भी मिले। CAA पर प्रधानमंत्री मोदी ने NDA नेताओं से आक्रामक होकर आगे बढ़ने को कहा। NDA दलों की बैठक में कहा सरकार ने अच्छी नीयत से फैसला लिया है। NDA दलों की बैठक में प्रस्ताव पारित, नागरिकता कानून समेत कई फैसलों के लिए PM को धन्यवाद दिया गया, पासवान ने जानकारी। NDA की बैठक में JDU और अकाली दल ने उठाया NPR का मुद्दा, माता पिता के जन्मस्थान वाला कॉलम हटाने की मांग की, अमित शाह ने चर्चा का भरोसा दिया। पटना में सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क पर हंगामा, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र स्थानीय लोगों से भिड़े, 2 गुटों में झड़प, जमकर चले पत्थर। पटना में बवाल के बाद सड़क पर आगजनी भी हुई, 1 कार को जलाया गया, झड़प में 2 पुलिस वालों सहित 12 लोग जख्मी हुए। देवरिया में भोजपुरी गायक के शो में हंगामा, खेसारी लाल को देखने जुटी भारी भीड़, आउट ऑफ कंट्रोल हुई, लोगों ने तोड़ी कुर्सियां। देवरिया महोत्सव में पहुंचे थे खेसारी लाल, मारपीट की वजह से कार्यक्रम बीच में ही रोका गया, घायल अस्पताल में भर्ती। हितेश चंद्र अवस्थी बने यूपी के नए DGP, OP सिंह का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का कार्यकाल 1 महीने बढ़ा, 31 जनवरी को होने वाले थे रिटायर, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जल्द देगी मुस्लिमों को आरक्षण, कांग्रेस कोटे से मंत्री आलम शेख का ऐलान, महाविकास अघाड़ी सरकार का तय एजेंडा बताया। उद्धव सरकार ने कई जिलों में नियोजन निधि को भी कम किया, नागपुर में नियोजन निधि कम करने को लेकर बवाल हुआ, पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर ने सवाल उठाए। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को मिली हरी झंडी, 1-2 दिन में कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 13 नए मंत्री। ग्वालियर में उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाया, विजय वर्गी और सिंधिया भी मिले, शताब्दी एक्सप्रेस से तीनों सफर कर रहे थे। ग्वालियर में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चलाई बस, स्मार्ट सिटी बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद संभाली स्टीयरिंग। CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया, चंद्रशेखर रावण की याचिका पर जवाब मांगा। दिल्ली के मालवीय नगर में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, पुलिस की वर्दी भी फाड़ी, पुलिस ने दर्ज की FIR, 29 जनवरी का है मामला। भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने इतिहास रचा, पहली बार 10% बायोजेट फ्यूल के साथ उड़ान भरी, दोनों इंजन में स्वदेशी ईंधन का इस्तेमाल हुआ। राजस्थान में सोने की कुरान की प्रति चुराते एक शख्स गिरफ्तार हुआ, भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपी बनवारी मीना से पूछताछ शुरू की। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन भी बढ़ी, पर्यटकों ने रस्सी के सहारे रास्ता पार कर एडवेंचर का मजा लिया। देहरादून से रारी टॉप कपनोल गए 3 लोग बर्फ में फंसे, SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनको बचाया। भारत दर्शन से लौटे कश्मीर के 40 स्कूली बच्चे, BSF ने सरहदी इलाके के बच्चों को इंडिया का टूर कराया, बच्चे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे। यूपी के शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 की मौत, पुलिस जांच कर रही है। गुजरात के सूरत में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बाल बचा, सड़क पर चल रहा शख्स टक्कर के बाद कार में लग गया। भदोही में SHO ने शिकायत करने पीड़ित के साथ थाने में मारपीट की, बस रुकी का वीडियो वायरल हुआ, जांच में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड हुए SHO। गुजरात के सूरत में 19 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली, इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों लोगों ने यात्रा में शामिल होकर फूल भी बरसाए। तेलंगाना के वारंगल में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रुक रुक कर होता रहा ब्लास्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बोट से शख्स गिरा, स्थानीय लोग और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। पंजाब के अमृतसर में STF को बड़ी कामयाबी, 194 किलो हेरोइन बरामद, 6 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, लुधियाना में भी 1 किलो हेरोइन के साथ 2 स्मगलर अरेस्ट हुए। मंगलुरु ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन
रूस में अचानक स्टेडियम की छत गिरने से हुआ हादसा, एक मजदूर की मौत हुई। 47 साल बाद यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ ब्रिटेन, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के दफ्तर से हटाया गया ब्रिटेन का झंडा। 31 जनवरी की रात 12 बजते ही ब्रेक्सिट लागू हुआ, लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर सैकड़ों लोगों ने जश्न मनाया। यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर ब्रिटेन में जश्न, लंदन की सड़कों पर लोगों ने लहराए झंडे, ब्रेक्सिट पार्टी बनाई गई। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने पर जश्न के साथ विरोध भी हुआ, एडिनबरा में स्कॉटलैंड की संसद ने संसद के बाहर नारेबाजी की। बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन, अब 3 फरवरी को ही खुलेंगे बैंक। पहले दिन सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा, एटीएम सेवा पर भी असर पड़ा। लगातार तीसरे महीने जीएसटी से कमाई 1,00,000 करोड़ से ऊपर, जनवरी में सरकार के खाते में आए 1,10,000 करोड़ रुपए। बुरे दौर से उबरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिसंबर तिमाही में एसबीआई को 5,583 करोड़ का मुनाफा हुआ, 41% का इजाफा। मध्य प्रदेश में वांडर सीमन ने वर्ल्ड क्लास ग्राइंडिंग यूनिट लगाई, 2 मिलियन टन सालाना की क्षमता। धार जिले के बदनावर में स्थापित प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हुआ, एमपी में कंपनी ने 300 करोड़ का निवेश किया है। चौथे T20 में भारत को सुपर ओवर में रोमांचक जीत मिली, 5 T20 मैचेस की सीरीज में भारत को 4-0 की बढ़त। वेलिंगटन T20 में शार्दुल ठाकुर ने 33 रन देकर लिए 2 विकेट, मनीष पांडे ने खेली नाबाद 50 रनों की पारी। सुपर ओवर में लगातार 2 मैच हारने के बावजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने तेज गेंदबाज टीम साउदी का बचाव किया, मुनरो ने कहा किस्मत नहीं थी हमारे साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, सेमीफाइनल में भारत से होगा मुकाबला। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में आरपी सिंह, मदन लाल और सुलक्षणा नायक शामिल हुए, कमेटी नई चयन समिति का चुनाव करेगी, 1 साल का कार्यकाल होगा। अलेक्जेंडर जर्वेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे डोमिनिक थियम, खिताब के लिए जोकोविच से होगी टक्कर। विकी कौशल की